बस्ती थाना कोतवाली पुलिस बल व एसटीएफ यूनिट आगरा टीम द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त विवेक तिवारी पुत्र विजय बहादुर निवासी मणिपुर थाना बाह जनपद आगरा को अहमद घाट पुल से समय करीब 8:15 पर हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद मोबाइल, फिनिक्स, एक अदद पेज उत्तर प्रदेश शासन का लोगो लगा हुआ और जेब से ₹500 बरामद हुए। बाद में विधिक कार्यवाही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर मुकदमा अपराध संख्या 261/24 पंजीकृत किया गया था। ये शिकायत प्रकाश में आई थी कि एक व्यक्ति स्वयं को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बताकर प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करता है और उनके नाम पर ठगी करने का प्रयास करता है। इसी संबंध में दिनांक 23/6/2024 को थाना क्षेत्र के अमहट पुल के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये थाना कोतवाली और एसटीएफ द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा अपना नाम विवेक शर्मा और विवेक तिवारी और विवेक चौधरी और बंटू चौधरी बताया गया। उसके पास से तलाशी में एक लेटर पैड भी मिला हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री का निजी सचिव इस प्रकार का लोगो बना हुआ है, नाम अंकित हुआ है। पूर्व में भी जब उसके आपराधिक इतिहास की छानबीन की गई तो विभिन्न जनपदों में लगभग 17 मुकदमे उसके विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में पंजीकृत हैं और पूर्व में जनपद हरदोई से इस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई। मुकदमा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उनके वो एसडी हैं, उनके पास यूजी पर इस तरीके का फोन आया था तो उनके द्वारा पंजीकृत कराया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।